राजस्थान में कोरोना वायरस ने पसारे पैर, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश के 24 जिलों में फैला कोरोना का संक्रमण, प्रदेश में करीब 57 नए मामले आज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 500 के पार हो चली है। बांसवाड़ा में 12, जैसलमेर में 8, झालावाड़ में 3, अलवर, कोटा, भरतपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कल करीब 80 मामले सामने आए थे, लेकिन आज अभी तक की बात करें तो 57 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और सबसे चिंता की बात, 24 जिलों में ये कोरोना वायरस फैल चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम विभागों के साथ वीसी के जरिए वे अपडेट भी ले रहे हैं, लेकिन कोरोना का जो ग्राफ है वो फिलहाल बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का आंकड़ा, और अब बात करें तो 500 से ज्यादा ये मामले सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो बार बार अपील की जा रही है लोगों से कि वे घरों में रहें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन जरूर करें, तभी इस कोरोना को रोका जा सकता है। सोशल डिस्टेंस अगर आप रखें तो कोरोना को रोका जा सकता है, और यही अपील बार बार की जा रही है। पीएम मोदी की ओर से बार बार अपील की जा रही है, सीएम अशोक गहलोत की तरफ से अपील की जा रही है, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बार बार यही अपील कर रहे हैं सभी लोगों से कि वे सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, पुलिस प्रशासन का सहयोग जरूर करें। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त न्यूज रूम से हमारे संवाददाता लोकेश ओला इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं मेडिकल को लेकर, और हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो आंकड़े हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। कल 80 मामले आए, लेकिन अभी की बात करें तो 57 मामले अब तक आ चुके हैं। जी बिल्कुल, जो राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो बिल्कुल चिंता का विषय राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता के लिए बनता जा रहा है। आज जो 57 कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं उसमें 15 कोरोना के जो मामले जयपुर से सामने आए हैं। हालांकि जो 15 कोरोना के जयपुर से मामले सामने आए वो डोर टू डोर सर्वे के दौरान जो सैंपल लिए गए उनमें से पॉजिटिव सामने आए, जो एक बड़ी चिंता इनकी प्रदेश के लिए कही जा सकती है, राजधानी जयपुर के लिए कही जा सकती है। जिस तरह से इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रदेश की जनता रैंडम सैंपल इनकी स्टार्ट किया जाए, उसी के तौर पर पहले शुरुआती तौर पर प्रदेश के रामगंज, जयपुर के रामगंज और जो परकोटा क्षेत्र में शुरू किया गया था, जिसके लिए 30 अलग अलग कैंप आएंगे। ये जो डोर टू डोर सैंपल लिए गए थे ये किन किन इलाकों से लिए गए थे और कहां कहां से ये कोरोना संक्रमित आए हैं? जी बिल्कुल, ये जो डोर टू डोर सैंपल जो सर्वे का कार्य है वो रामगंज क्षेत्र और जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र से शुरू किया गया है, और वहीं से यह जो सैंपल लिए गए उन्हीं में 15 कोरोना के जो नए पॉजिटिव है वो सामने आए हैं, वो बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। और अब जयपुर में कुल 183 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें अधिकतर मामले जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के, हालांकि चारदीवारी क्षेत्र से बाहर भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो मिल रहे हैं, तो उसको लेकर भी चिंता का जो विषय है वो बनता जा रहा है। जयपुर प्रशासन की ओर से और जयपुर के लिए कोरोना रोकथाम के लिए प्रभारी जो लगाया गया है वो लगातार इनकी दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में कोरोना रोकथाम की जो तैयारियां हैं उनको लेकर जायजा ले रहे हैं। हालांकि जिस तरह से चिकित्सा विभाग काम कर रहा है उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वीसी थी, उसमें भी तमाम जो फीडबैक है वो लिया गया कि प्रदेश में किस तरह से इनके कार्य चिकित्सा विभाग कर रहा है, उनको लेकर भी डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री ने पूरे इनकी जानकारी दी कि किस तरह से प्रदेश में कोरोना रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसमें जो लॉकडाउन की जो तिथि बढ़ाने का कयास है वो भी सामने आ रहा है, जिसमें चिकित्सा विभाग की ओर से जो प्रारंभिक सूचना आ रही है उसमें 30 अप्रैल तक का समय अभी जो देखने में आ रहा है। वहीं हालांकि कुछ विभाग है वो इसमें हल्की जो राहत देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी इनकी जो तिथि है वो घोषित नहीं हुई। हालांकि लोकेश, यहाँ पर जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं
सख्ती की और भी जरूरत है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भीलवाड़ा जो मॉडल है उसे लागू जयपुर में भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए भीलवाड़ा मॉडल और जयपुर में लागू करना अलग अलग परिस्थितियां हो गई दोनों की, क्योंकि जिस तरह से भीलवाड़ा में बिखरी हुई जनजाति और भौगोलिक परिदृश्य वहां का अलग है, जयपुर का परिदृश्य वो अलग है, भौगोलिक परिदृश्य अलग है। जितनी आबादी भीलवाड़ा के पूरे जिले में है उतनी जयपुर के परकोटे में ही इनकी आप देख सकते हो या फिर जयपुर शहर में देख सकते हो, तो एक बड़ी आबादी क्षेत्र जो जयपुर का परकोटा क्षेत्र है वो आता है। ऐसे में वहाँ पर जो भीलवाड़ा मॉडल वो काम नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से नया मॉडल किस तरह से अपनाया जाए वो उसमें चिकित्सा विभाग काम कर रहा है, जिला प्रशासन उसमें लगा हुआ है कि किस तरह से उसको किया जाए। और उसी के तहत जो नया मॉडल है वो ये है कि डोर टू डोर सैंपल कलेक्शन किया जाए और उसमें जो जो इनकी सैंपल लिया जाए उनमें जो पॉजिटिव है उनके संपर्क में आने वाले को क्वारंटाइन किया जाए, और वो क्वारंटाइन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। जिस तरह से जो बात करें शास्त्री नगर के क्षेत्र में या फिर नीलगढ़ों का रास्ता में या फिर जो कच्ची बस्तियों में जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उनके संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। जयपुर के तमाम जो होटलें हैं करीब 2 दर्जन से अधिक होटलों में उन लोगों को ठहराया जा रहा है, उनको अलग अलग रूम में एक एक को शिफ्ट किया जा रहा है, वो क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि उनमें अगर 14 दिन के दौरान भी अगर लक्षण दिखते हैं तो उनको इलाज शुरू किया जाए और किसी और के संपर्क में नहीं आए। इन सब चीजों को तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग तमाम जो है वो प्रयास यहाँ पर कर रहा है और लोगों को भी यहाँ पर और जागरूक होना होगा। लोकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।